प्यारे छात्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम के बबीता है, मैं TSMS कोंडापाक में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगी, आपको उनके उत्तर तेलुगु में आता है तो तेलुगु में, हिंदी में आता है तो हिंदी में, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में बताने की कोशिश करना, ठीक है? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, यह वर्षा ऋतु है ना, వర్షకాలం ఇది కదా। వర్షకాలంలో వర్షం వచ్చి ఆగిపోయిన తర్వాత ఆకాశంలో ఏం కనిపిస్తుంది? జీ బిల్కుల్ సహీ కహా ఆప్నే, క్యా దిఖ్తా హై? రెయిన్బో, జిస్కో హమ్ తెలుగు మే ఇంద్రధనుష్ అంటాం కదా, హిందీలో ఇంద్రధనుష్ కహతే హై, హై నా? తెలుగు ఆర్ హిందీ మే ఏక్ జైసే హై హై, లేకిన్ ఇంగ్లీష్ మే రెయిన్బో కహతే హై। कमान लगा कनपिस्ता आकाशम लो, देखिए आपके लिए मैं इंद्रधनुष लाई हूँ ना, अच्छा है ना, बढ़िया है। देखिए अब इसमें कितने रंग है, इन सब रंगों में सबसे पहला रंग कौन सा है? देखिए तेलुगु में बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल सही कहा, एरोपु रेड है ना, इसको हिंदी में लाल कहते हैं। रेड कलर, एरोपु कलर को क्या कहते हैं? लाल कहते हैं, लाल रंग। दूसरा देखिए, दूसरा रंग कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही कहा, नारंगी है ना, नारंगी रंग, गुड। इंग्लिश लो ऑरेंज अंडो है ना, उसी को हिंदी में केसरिया कहते हैं। कौन सा रंग? केसरिया कहते हैं। तीसरा रंग देखिए वहां पर कौन सा है? बिल्कुल सही कहा, पसुपु, पसुपु रंगो है ना, येलो, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पीला। कौन सा रंग कहते हैं? पीला रंग कहते हैं। अभी देखिए चौथा रंग कौन सा है वहां पर? हाँ आंख पच्चा यानी ग्रीन है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हरा, हरा रंग कहते हैं। देखिए फिर उसके बाद कौन सा रंग है देखिए उसमें? हाँ बिल्कुल सही कहा, नीलम रंगो, ब्लू जिसको कहते हैं है ना, इसी को हिंदी में नीला रंग कहते हैं। इनको नीले रंग के बाद देखिए, इंग्लिश में मालूम है और तेलुगु में मालूम है आप लोगों को है ना। अभी इनको हिंदी में क्या कहते हैं आपको खुद जानना है, और जानकर उनके नाम अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख के रखना है। यही है आपका गृह कार्य, होमवर्क, ठीक है? अब मैं आपको कुछ और चित्र दिखाती हूँ, और उस चित्र को दिखाने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, आप मुझे उन प्रश्नों के उत्तर तेलुगु में बताना, ओके? आसमान में क्या उड़ते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा, पक्षी उड़ते हैं ना, पक्षुलु आकाशंलो एगुड़ते है ना। तो आज हम पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, कुछ पक्षियों के नाम हिंदी में जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखिए इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पिट्टलू, एम पिट्टलू, हाँ ऊर्लो इल्लला, इकड़ अकड़ एकड़ चूस्ते अकड़ कनिपिस्तेवि मन, ऊर बिस्कल वन गुड़ा अंटर कदा, उसी को हिंदी में चिड़िया कहते हैं। ये किसका चित्र है? चिड़िया, क्या है ये? चिड़िया। दूसरा चित्र दिखाती हूँ देखिए, हाँ अभी ये चित्र किस पक्षी का है? बिल्कुल सही कहा, ये पक्षी नेमली है ना, तेलुगु में क्या कहते हैं उसको? नेमली, इंग्लिश में पिकॉक, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? मोर। देखिए कितना सुंदर पक्षी है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? मोर। उसके पंख देखिए कितने अच्छे पसा रहा है वो। अब देखिए इस चित्र को, इसको हम क्या कहते हैं? पैरट, पैरट यानी तेलुगु में हम चिलुका कहते हैं, राम चिलुका है ना, इसी को हम हिंदी में तोता कहते हैं, क्या कहते हैं? तोता। इस
ये जो चित्र दिखाई दे रहे हो देखिए, इसमें आपको कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सही कहा, क्या है? गद्दा, गरुड़ पक्षी। तेलुगु में हम गद्दा गरुड़ पक्षी कहते हैं, इंग्लिश में ईगल है ना। तो इसी को हम हिंदी में चील कहते हैं। क्या कहते हैं? चील कहते हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो चित्र दिखाकर पक्षियों के नाम बताया है वो कौन कौन से है? चिड़िया, मोर, तोता, चील, है ना। इस प्रकार मैंने चार पक्षियों के आपको नाम बताए। अभी आप लोगों को मैं जो चित्र बताती हूँ, इन चित्रों को देखकर आपको पहचानना है उन्हें और उनके हिंदी में क्या नाम है वो जानकर अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। देखिए, ध्यान से देखिए इन चित्रों को और अपने उत्तर पुस्तिकाओं में उनके नाम लिखकर रखिए। यही आपका गृह कार्य है, पक्षियों के लिए आपका गृह कार्य इन चित्रों को पहचान कर लिखिए। ओके, अभी मैं आपको कुछ एक और प्रश्न पूछती हूँ, उनके आप सीधे सीधे उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जंगल में क्या रहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, जीव जंतु, पशु, जानवर, ऐसा हम उनको कह सकते हैं। तो ये जो जीव जंतु है दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो हम अपने घरों में पालते हैं और जिनको हम घर में नहीं पाल सकते वो जानवर जंगल में रहते हैं, है ना। तो मैं कुछ जानवरों के, पशुओं के आपको चित्र दिखाकर उनके नाम बताती हूँ। देखिए इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही कहा, ये क्या है? गाय है ना। गाय जो है हम लोग घरों में पाल सकते हैं, इसको पालतू जानवर कहते हैं हम, है ना। अब देखिए दूसरा चित्र क्या है? बंदर है ना। ये जो बंदर है हम लोग उसको पालते भी है, वह जंगल में भी जीता है। तो इस प्रकार जो है जिन्हें जो हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार के साथ अगर हम उसे सिखाए तो सीख कर रह सकते हैं, ऐसे जानवरों को हम पालते हैं। तो ये बंदर भी पालतू है। क्या है ये? बंदर। तेलुगु में क्या कहते हैं इसको? कोती, है ना। आजकल सबके घरों में घूम रहे कोती, तो इसको हम बंदर कहते हैं। अब देखिए ये चित्र किसका है? जी बिल्कुल सही कहा, तो क्या है? हॉर्स है। इसे हम क्या कहते हैं तेलुगु में? गुर्रम, है ना। गुर्रम को हम हिंदी में घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा। ये किसके लिए उपयोग करते हैं हम? यातायात के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने आने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब देखिए ये दूसरा चित्र किसका है? जी बिल्कुल सही कहा, किसका है वो? कुत्ता, है ना। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं। तेलुगु में कुक्का, इंग्लिश में डॉग, है ना। तो इस प्रकार जो है यह भी हम बहुत प्यार से पालते हैं, है ना, कुत्तों को, क्योंकि वह हमारे घर को रखवाली करता है, है ना। अभी मैं आपको स्क्रीन पर जो भी चित्र बताऊंगी उन सभी को आप लोग पहचानना है। जो जो पशु उसमें आपको दिखाएंगे उनके नाम हिंदी में जानकर अपने अपने उत्तर पुस्तिकाओं में उनको लिखकर रखना है, यह आपका गृह कार्य होगा। इस प्रकार आज हमने पांच रंग, लाल, केसरिया, पीला, हरा, नीला और चार पक्षियों के नाम, चिड़िया, मोर, तोता, चील और चार जंतुओं के नाम यानी पशुओं के नाम, गाय, बंदर, घोड़ा, कुत्ता, इस प्रकार इन सब के नाम हमने जाने हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा यह विषय अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।